दोबारा स्कूल से आया, उसको तुरंत आधे घंटे में खाना खिलाया, फिर ट्यूशन भेज दिए, फिर ट्यूशन से आया, फिर खाना खिलाया, फिर पढ़ने बिठा दिए। भैया बच्चा है, मशीन नहीं है। कल की वीडियो मैंने दिखाया है कि मोहित जो तो अपना पेपर मुझे दिया, मैंने उसका सारा पेपर चेक करी थी, कहीं पे गलत, कहीं पे सही, कहीं पे नंबर अच्छे हैं, कहीं पे नहीं है। अब अरे यार, हाउ ज्वेल्स इज पर्सन। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें ऐसी है ना जो दिल में दफन हो जाती है, बहुत ही हर्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। एक तो माँ के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी रहती है, आप लोग जानते होंगे, अगर कोई माँ देख रही है तो वो जानती होगी कि बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, सब कुछ माँ को ही देखना रहता है। अगर बच्चे छोटे हैं घर में तो पीटीएम में जाओ तो अलग एक टेंशन, ये कि भाई आप मोही की मम्मी हैं, जरा वो दिखाइए जो मोही ने लिखा है पेपर में, और कितने मार्क्स आए हैं और कैसा पेपर किया है। मेरे अंदर फ्रेंड्स ना ये थिंकिंग आती ही नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल गेम टीचर रही और मैं अच्छे से समझ गई जिंदगी में कि पढ़ाई को कितना वैल्यू देना चाहिए। पढ़ाई को उतना ही वैल्यू दो कि छोटा बच्चा है उसकी ईगो में ये मत भरो कि कितने नंबर हैं, उसकी ईगो में सिर्फ ये भरना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए। मैथमेटिक्स सॉल्व करने आना चाहिए बस, हिंदी पढ़ने आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट तो इसी पे डिपेंड रहते हैं ना। हिंदी को हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश की इंग्लिश लैंग्वेज है, और मैथ का जो तो मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। लेकिन यहाँ ना कुछ पेरेंट्स इतने टेंशन लेके चलते हैं, मेरे ना सिर में ठंड लग रही है। मैं कल फीवर की दवा खाई हूँ, कॉम्बिफ्लेम और सेट्रिजिन। एलर्जी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। एक्चुअली ना मोही के स्कूल में जब मैं गई थी तो वहाँ पे इतनी मुझे ठंड लगी, ग्राउंड पे ही जो तो सेलिब्रेशन हो रहा था, मुझे इतनी ठंड लगी, मैं सिर नहीं ढकी थी, सिर में मेरे ठंड लग गई और मुझे फीवर पकड़ लिया शाम को। तो घर तो देखना ही देखना है, घर में तो मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। माँ भले जो तो अपना दवा खा के ठीक कर ले बीमारी है ना, तो मैं अच्छी दिखूँ ना दिखूँ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे को नंबर मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को आना चाहिए हिंदी इंग्लिश मैथ, तीनों आना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे जैसे बड़े क्लास में जाएगा, अभी तो क्लास 3 में है, जैसे जैसे बड़े क्लास में जाएगा सब्जेक्ट ऐड होता जाएगा, तो लेकिन वो सारे सब्जेक्ट जो है इसी 3 सब्जेक्ट पे ना डिपेंडेड है। तो यहाँ कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं ना जो जलते हैं, जलते ये हैं कि इनके बच्चे को नंबर अच्छा कैसे मिलता है। नंबर अच्छा से नहीं मतलब है भैया, मुझे नंबर की चिंता नहीं होती है। जिस दिन एग्जाम होता है, चाहे सालों साल की जो तैयारी होती है, जो डेली रूटीन की तैयारी होती है, वो ठीक होना चाहिए ना, ना कि बच्चा स्कूल से आया, उसको तुरंत आधे घंटे में खाना खिलाया, फिर ट्यूशन भेज दिए, फिर ट्यूशन से आया, फिर खाना खिलाया, फिर पढ़ने बिठा दिए। भैया बच्चा है, मशीन नहीं है। मैं भी ट्यूशन पढ़ाई हूँ पुणे आके, 10 साल मैंने नौकरी की यूपी में, देवरिया में, कुशीनगर में, 5 साल कुशीनगर, 5 साल देवरिया, उसके बाद मैं 10 साल की नौकरी छोड़ के मैं पुणे आ गई। पुणे आ गई तो पुणे में जो तो मैं अपना 5 साल जो तक ट्यूशन चलाई, अच्छा खासा चला, बढ़िया चला, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ट्यूशन चलाऊंगी तो मेरा बेटा इग्नोर होगा, मेरी बेटी इग्नोर होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्यूशन बंद कर दिया। कोविड तक में भी मैंने चलाया था, उसके बाद से मैंने धीरे 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 अपना ट्यूशन बंद कर दिया। मैंने कहा ना मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा इग्नोर हुआ है। और जब मैंने अपने बच्चे को लेकर के ग्रो करना शुरू किया, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, बीरू को चाहे मोही को, दोनों को भी, दोनों को मैं ही पढ़ाती, मैं ट्यूशन नहीं भेजती। ट्यूशन के खिलाफ मैं तब भी थी, अब भी हूँ। ट्यूशन के टाइम पे भी मैं उन बच्चों को कहती थी कि यार तुम तो तेज हो, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम ट्यूशन क्यों आते हो। तो उनकी मम्मी का जवाब रहता था कि ये तेज है तो एकदम एक्सीलेंट रहे, एक्सीलेंट। अरे यार बच्चा है, मशीन मत बनाओ उसे, मशीन मत बनाओ, खेलने को टाइम दो उसे। मैं अपने बच्चों को ना कहती हूँ, ए बेटा तुम गाना कम गाओ, थोड़ा सा मैं बात कर लेने दो। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ ना, खाओ खेलो मस्त रहो, पढ़ाई करो, एक घंटे अगर मन से बैठ जाओ ना तो खुद से पढ़ाई संभव है, ट्यूशन की जरूरत नहीं है। ट्यूशन कुछ बच्चों को जरूरत होती है जिनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना थोड़ी कम होती है, या फिर जो लापरवाह बच्चे होते हैं उनके लिए, कि नहीं उसको तो आदत डालनी है डालनी है डालनी है। 100% बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। और मैं बैठी थी पीटीएम में तो मोही के पेपर को मैं लेके, मैंने वीडियो में दिखाया है, कल की वीडियो मैंने दिखाया है कि मोही जो तो अपना पेपर मुझे दिया, मैंने उसका सारा पेपर चेक करी थी, कहीं पे गलत, कहीं पे सही, कहीं पे नंबर अच्छे हैं, कहीं पे नहीं है। अब 30 में 26 नंबर लाना, फिर 20 3 सब्जेक्ट में इसके
26 नंबर है और एक सब्जेक्ट में इसके 23 नंबर है, एवरेज है तो 30-30 मार्क्स के। अब 30 में अगर 26 आए ठीक है, चलो ठीक है, कौन सा बड़ा क्लास है यार, क्लास 3 का बच्चा है, मुझे एक्सीलेंट नहीं बनाना है भैया, उसका सिस्टम सही करना है। ए भन भन मधुमक्खी भन भन, एरा गेम खेलने मगन है, अपना खीर खा, खीर खा, हाँ बीरू खीर नहीं खाती, वो खाना दही खाती है। तो मैंने कहा कि भैया अगर 4 नंबर कम है तो चलो ना जाने दो ना, हमें तो, हमें तो नंबर की चिंता नहीं है। मैं इसकी क्लास टीचर भी कहती कि मैडम आप लोग नंबर के पीछे क्यों भागते, मैं कि मैडम मैं नहीं भागती, जो भागता है वो तो भाग रहा है, मेरे पेपर मेरे हाथ से ले लेके लोग देख रहे हैं कि हाँ सोमेश का नंबर, सोमेश का नंबर, सोमेश नाम है ना स्कूल का, मुझे इसकी फर्क नहीं पड़ती। मेरे अंदर ये आता है कि क्या यार कैसी सोच है लोगों की, अपना पेपर देखे अपने बच्चे का और रोल मार के पीछे दबा लिया कि कोई मांगे मत मेरे बच्चे का नंबर कितना है और कैसा है मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन दूसरे का छीन के देखते हैं। अरे यार हाउ ज्वेल्स इस पर्सन, चलने वालों की कमी नहीं है यहाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जलना है जलो, जिसको खुश होना है खुश हो, मेरा अपना मेहनत जो है ना, मैं बच्चों को कहती पढ़ो, बस पढ़ना ही है, अंडरस्टैंडिंग सही रहे उसके बाद से बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। अभी इतना बड़ा क्लास नहीं है कि उनको एकदम से टॉर्चर करके पढ़ाया जाए, क्लास 3 है, 4-5। मैं अपनी पढ़ाई सीरियसली कब ली थी, 9th क्लास में, तो ये तो बच्चे अभी सब पढ़ रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं यार, कुछ ना कुछ बातें ऐसी ही मन में चलती रहती है। अब ये बताइए कि घर का टेंशन अलग रहता है कि घर में सब्जी लाना है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, हस्बैंड की ड्यूटी जब मर्जी तब देती रहती तो उनको ही भेजना ही रहता, अभी है भी नहीं वो, ड्यूटी पे ही है वो, कब आएंगे ट्रेन चला के मुझे कुछ नहीं मालूम, और जैसे ही आएंगे वैसे ही ताज़ा खाना बनाना है, रखा हुआ खाना फ्रीज का नहीं खाते हैं वो हस्बैंड मेरे, तो वो कहते हैं मुझे ताज़ा तुरंत गर्म गर्म बना के दो, 10 मिनट में बना के देना भी है। अब जो भी है टाइम के हिसाब से उनको मैं खाना बना के दे देती हूँ, तो मेरे को ना मैं इतना बिजी रहती हूँ, मुझे नहीं पता है कि अगले घंटे मुझे कौन सा काम करना है, तो हमेशा क्या रहता है ना फ्रेंड्स की थकान रहती है बॉडी में, और एक टाइम रूटीन रहता है सब्जी लाने का शाम को, एक टाइम रूटीन रहना है पढ़ाने का, एक टाइम रूटीन रहता है दूध का, तो बस ये 2-3 काम ऐसे है जो रूटीन से होते हैं, बाकी कोई काम रूटीन से नहीं होता है हमारे घर में। अब कल है सकट चौथ, उसकी भी पूजा करनी है, और सकट चौथ का सेलिब्रेशन मंदिर में जाकर करेंगे। अभी घर में आज कौन सा डे है भाई, हुई आज कौन सा है, 28 जनवरी है आज, बहुत सी बातें चलती है ना फ्रेंड्स मन में। अब मेरे को फीवर था, मैं दवा ली थी, ठीक हो गया, लेकिन फीवर के पास से चेहरा उतर जाता है, हर किसी का उतर जाता है, तो क्लास में हाँ लोग पूछते हैं ना कि चेहरा क्यों उतर गया है, उदास है, नंबर कम मिला है क्या, हमको नंबर नहीं कम मिला है भैया, नंबर से हमें कोई मतलब भी नहीं है, नंबर कम मिले ज्यादा मिले कोई मतलब नहीं है, चेहरा इसलिए उतरा है क्योंकि रात में फीवर था और दवा मैं खा के सोई थी, लेकिन पूरी नींद भर में सो नहीं पाई हूँ, मुझे अपनी नींद तोड़ के फिर यहाँ आना पड़ा स्कूल। तो फ्रेंड्स वर्कलोड ज्यादा रहता है, मेरी कमाई मेरे बच्चे हैं, मेरी कमाई मेरी जिंदगी मेरी परिवार है, मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, चाहे जैसे भी आपको मैं खूबसूरत दिखूं ना दिखूं। मम्मा हाँ 28 दिसंबर आज मई है, आज 28 जनवरी है, 28 दिसंबर को इसका बर्थडे रहता है ना, इसलिए जो तो 28 इसको याद है, और या के कह रही आज मई है, मई नहीं है जनवरी है, जनवरी यस 28 जनवरी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मन की बातें थी कह दी आपसे, बहुत सारी तकलीफें रहती है अंदर ही अंदर दफन करनी पड़ती है, मेरा परिवार मेरी जिंदगी है, ये हटाओ ना यार सामने से, आई कार्ड लगा लगा दिखा रही है, परेशान कर रही है ये बीरू ना, ए घर की खत्म हुआ, घर कहाँ के जल्दी खत्म करो। फ्रेंड्स आप लोग को मेरी आवाज बहुत कड़क लगती है ना, क्या करूँ, गेम टीचर थी ना, गेम टीचर में क्या होता है, एक ही फील्ड पे सारे स्कूल के बच्चे एक बार में 100 बच्चे को हैंडल करना, उसके लिए क्या चाहिए, डिसिप्लिन एंड यूनिटी, और वो कहाँ से मिलता है, एनसीसी से, मैंने एनसीसी किया है सी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वहाँ से मैंने, यार हटो ना तुम डिस्टर्ब कर रही हो, हड़प हड़प ये पैर हटाओ, देखे
तो ये आवाज जो है ना मेरी एनसीसी से आ गई। मैं उसमें जो तो क्या कहते थे कॉशन बोलती थी मैं, और अंडर ऑफिसर के पद पे भी मैं रही। तो एनसीसी से मैंने ना डिसिप्लिन और यूनिटी मैंने सीखा। चुप चुप चुप, हला नहीं ही अलग रहा है। तो मैंने क्या किया था, मैं जब भी गेम टीचर रहती थी ना, एक्चुअली सब्जेक्ट टीचर बड़े मजे से पढ़ा लेते हैं। वो इसलिए कि तीन क्लास होते हैं सिक्स सेवन्थ एट्थ, जिसमें मैं पढ़ाती थी गेम टीचर। तो सिक्स का टीचर अलग है, सेवन्थ का टीचर अलग है, एट्थ का टीचर अलग है। लेकिन जब गेम की पीरियड आती है तो सिक्स सेवन्थ सारे एक साथ आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल को क्या लगता है कि एक टीचर 100 बच्चों को अकेले हैंडल करता है और तीन टीचर 100 बच्चों को अलग अलग क्लास में हैंडल करते हैं, तो कौन सा टफ है, एक टीचर 100 बच्चों को हैंडल करना कि तीन टीचर 100 बच्चों को हैंडल करना? एक टीचर 100 बच्चों को हैंडल करना वो टफ है। तो उनके लिए क्या होता है, आवाज कड़क होनी चाहिए ताकि आवाज को सुन के ही डर लग जाए। अब यहाँ मेरे बच्चे ना मेरी आवाज सुन के ही डर जाते हैं, बहुत कड़क आवाज है मेरी। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, अगर मेरी सारी वीडियोस में ना आप लोग को मेरी कड़क आवाज लगती है ना, तो सॉरी, दिल से सॉरी, माफ करिएगा मुझे। मैं उतना मीठा नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन हाँ सिंगिंग है जो भगवान गॉड गिफ्टेड भगवान ने मुझे दिया है कि मैं सिंगिंग करती हूँ अच्छा सा। मम्मी मुझे ऐसे डांटती है, आप क्या करता होगा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रही, सॉरी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बस सिंगिंग आती है तो आती है, थोड़ी मोड़ी आती है। मम्मी काफी स्पीड से डांटती है, मम्मी काफी स्पीड से डांटती है। क्या डांटती है, खीर खाओ, खीर खत्म करो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। और ये है मोही, उसके पीछे है वीरू। सट सट, मुझे इतनी ठंडी लग रही है और मैं इन दोनों को बोल रही हूँ बच्चों जैकेट पहनो, सॉक्स पहनो, नहीं पहन रहे सब, पता नहीं मुझे भी ठंडी लग रही है केवल की इन दोनों को भी लग रही है कि नहीं। हाँ, ये मोही का है आई कार्ड, छोटे पर का, छोटा क्या लिखा है, LKG का है, LKG। हाँ, एक और मैं मशीन चला दी हूँ फ्रेंड्स, और एक और मैं चल रही हूँ ना, भुट्टा डाल के सांभर बनाऊंगी इस बार, नया ट्राई करूंगी, क्योंकि ये भुट्टा कोई खा नहीं रहा है, बच्चे खा नहीं रहे हैं, सब मैंने भून के रखा, बच्चे नहीं खाए, सब थोड़ा सा टाइट है ये भुट्टा, देसी भुट्टा है, मुझे लगा ये मीठा वाला भुट्टा होगा, तो मैंने इसको तो बॉयल कर लिया है, और दाल मैं रख दी हूँ, तुअर की दाल है भिगो के। चलती हूँ सब्जी काट लूँ पहले, यहाँ सारी सब्जी काट ली। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने भुट्टा, टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी डाल दी है, मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि मोही को बहुत तीखा लगता है। यह है भुट्टा जो जल गया है और ये मैं खाऊंगी, और यह है क्यूब्स जो बिखेर दिया है, ये मोही खेल रहा है, और यह है बीरू जो काला नमक चाटी और दह, तो इसका मुंह मन मना गया है, और चाटोगी, आ जाओ चाट लो, मन 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 कर रही है। हाँ बोलो, पहले इससे भी छोटा वाला, हाँ इससे भी छोटा वाला चाटो, ये जो छोटा बॉक्स है ना इसी में ही रखेंगे, जूता रखने के लिए बनाई हो ना, जूता कितना छोटा छोटा जूता आटेगा, तुम्हारा जूता आटेगा इसमें, क्योंकि वो बड़ा है। आई कार्ड दिन रात पहने रहना है क्या स्कूल वाला, कहीं जाती हूँ ना, चाहे मार्केट, चाहे बेसमेंट में, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे, चाहे कहीं भी, तो ये मोही क्या करता है, मोबाइल ले लेता है और मोबाइल में गेम खेलना चालू कर देता है। अगर गेम नहीं खेलेगा तो यूट्यूब पे गेम देखता है। और जब मैं आई ना तो मुझसे क्या कहा, मैं टॉयलेट में था, हाँ वो सच्ची में, और जैसे ही मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं पता करके तुमको बता दूंगी कि तुम टॉयलेट में थे कि गेम खेल रहे थे, तो मैंने मोबाइल चेक किया तो उसमें गेम ही निकला है पहले। अरे मम्मा, मैं उसको रख के लाया था, मैं सारा ऐप अपना क्लोज करके रखती हूँ, देख लो अभी तक वो स्टार्ट ही हो रहा है, मैं बाथरूम गया, आखिर गेम आया ना, हाँ मगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि तुमने मोबाइल टच किया था, मैं जब मोबाइल लगाया था, बात अलग है, मैं जब मोबाइल देख रहा था तो फिर मुझे सुसु लगी, मैं गया था करने, सुसु लगी करने, इसलिए तो इतना लेट हुआ है। लेकिन एक बात तो है कि तुमने मोबाइल टच किया, हाँ, और गेम ओपन किया, आया ना बात, पॉइंट टू बी नोटेड, हमसे कोई झूठ नहीं बोल सकता है, समझा, माँ हूँ माँ, माँ नहीं, हाँ।